लाइक मैं अपना फार्मेसी का एग्ज़ाम देने आया था फॉर्म झारखंड, तो हुआ कुछ ये कि ऐसे आपको पता ही है दिल्ली के जनरल डिब्बो का हाल। मैं गया, मैं देखा ये कौन सी जगह है, ये कैसे जानवर है, ये यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। तो मैं जस्ट कंफ्यूज था, मैं किसके ऊपर से गुजरूँ, मेरे एक पैर इधर एक पैर उधर। तीसरे में आंटी बोलती है, कह रहे मेरा बच्चा सो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं आंटी। तो मैं स्ट्रगल और एडवेंचर करते हुए जस्ट मैं पार करके कैसे भी बैठ जाता हूँ लोगों को। फिर देन मेरा एक निकम्मा फ्रेंड मेरे को कॉल करता है, तो पहले तो मैं उठाता नहीं हूँ फर्स्ट रिंग में, देन सेकेंड रिंग में बोलते हैं भाई जल्दी उठा। मैं क्या हो गया, बोलो भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं क्या हो गया, बोल रहा है अबे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करने गया था, कुछ कुछ हो गया और वो कन्फ्यूज और मैं प्रेगनेंट हो गया। मैं क्या बोला, अरे मैं दोबारा रिपीट करो कि मैं गुलू गुलू करने गया था, कुछ हो गया और वो मैं प्रेगनेंट हो गया। मैं बधाई हूँ और कराओ मुँह काला, मैंने मना किया था ना, करा लिया मुँह काला, हो गए प्रेगनेंट। फिर बोल रहा अबे भाई वो सब छोड़ जल्दी बताना। मैंने बोला इसीलिए करी थी मैंने भी फार्मा कि मैं तुम लोग कांड करो इसी के लिए मैं मेडिसिन बताता रहूँ, जल्दी फ़ोन रख। फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, तो सेकेंड टाइम में आती है तुम्हारी भाभी, ठीक है। तो आती है, माहौल बन रखा होता है रोमांटिक, तो जैसे वो पास में आती है और आके पकड़ती है मेरा हाथ, गलत मत सोचना। फिर जैसे वो हाथ पकड़ती है, फिर मेरी कमर में हाथ डाल के मेरे को पास बुलाती है। तो जैसे मैं उसके पास आता हूँ, फुल वाइब होती है, एकदम रोमांटिक वाइब, ऐसा लगता है किस करने वाले हो, ठीक है। फिर एकदम से बोलती है चाय ले लो चाय। मैं बोला अभी तो ये रोमांस कर रही थी, बिजनेस कहाँ से करने लग गई यार, आप गुजराती हो। फिर देन जैसे होते मैं घबरा के उठता हूँ, तो पता चलता है पास में मेरे चाय वाला खड़ा होता है, बोलता है ये चिकने चाय लेना। मैंने बोला ये कौन सा तरीका चाय बेचने का, बोल रहा है ये हमारा तरीका है, वेलकम टू झारखंड। अच्छा देन फिर जैसे वो जाते हैं, फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, तो सेकंड ट्रैक में भाई साहब ये विदाउट एडवर्टीजमेंट वाले यूट्यूब की तरह आए जा रहे हैं अपने स्पॉन्सर लेके। सेकंड वाला आता है वो अंडरगारमेंट्स का बिजनेस करता है, लाइक बोलता है पहले चड्डी 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 चड्डी, ऐसा लगता है कबड्डी खेल रहा है। देन सेकंड टाइम में बोलता है कि जोश चढ़ जाता है बंदे को, रैम बोलने लगता है रूपा कच्ची जो चुप करा दे अच्छे अच्छे की बच्ची। मैं बोला भाई फिर मैं बोलता ये कौन सी बिजनेस क्लासेस है, ऐसी कौन सी बिजनेस क्लास दे रहे हैं जो हमें नहीं मिल रही, हमें भी ये करनी है, हमें भी कोई बताओ। तो ऐसे ही मैं थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा होता हूँ, बाहर देख रहा होता हूँ, तो उतने में एक अंकल आते हैं मेरे पास। तो अंकल बोलते हैं बेटा थोड़ा टाइम सेट कर देना इसमें। मैं अंकल की मतलब जैसे टाइम सेट कर रहा हूँ, ऊपर चल रहा होता है देवर भाभी और रंगीन आते हैं। तो ये क्या चल रहा है अंकल, अंकल मेरी तरफ डेडली स्माइल की तरफ, होता है ठीक है अंकल कोई बात नहीं हो सकता है। फिर देन जब मैं थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाता है इन सब चीज़ों से, मैं फ्रेश होने ना वॉशरूम के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे एक लेडीज अपने 7 बच्चे लेके लेटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं जाऊँ किस पे से। फिर वो बोलते हैं ऐसे जाइए भाई साहब आप परेशान क्यों होते हैं, हम है ना। ठीक है मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ उस टाइम पे, मैं जस्ट लेडीज वॉशरूम में घुस जाता हूँ। और मैं जैसे ही फ्रेश होने आता हूँ, तो फिर से मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है कि भाई कहाँ पे और क्या कर रहे हैं तू। मैंने बोला अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके बताओगे तेरे को। फिर उसके बाद बोलने लगता है कि भाई जल्दी बता तो है का, तो मैं फ्रेश हो रहा हूँ। बोला यहाँ मेरी निकल नहीं रही हो तू, आग रहे। थैंक यू सो मच गाइस।